हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें देखते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला जो पॉइंट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जैसे कि हम कोई फूड बनाते हैं, ठीक है, तो उस फूड को बनाने के लिए हमें किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ी, तो उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो मेरा एक फर्स्ट डिश है वो ये है, बॉइल्ड राइस। राइस को बॉइल करना है मुझे, ठीक है, तो क्या करूँगा, मेरे पास पहला क्या होना चाहिए, राइस होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, वाटर, है ना। जब मेरे पास ये दो चीज अवेलेबल होंगे तब जाकर मैं बॉइल कर पाऊंगा, है ना। जब राइस और वाटर होंगे मेरे पास, तब जाके मैं बॉइल्ड राइस कर पाऊंगा, है ना। तो ये दोनों चीज मेरे क्या बन जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। राइस भी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर भी न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि इन दोनों को यूज करके मैं अपना फूड प्रिपेयर कर सकता हूँ, और ये दोनों मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वो कॉम्पोनेंट जिसको हम यूज करके फूड बनाते हैं और वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि आपका मिल्क भी आ जाएगा, है ना, पल्सेस जिसको हम दाल बोलते हैं, है ना, ये भी न्यूट्रिएंट्स है, पल्स भी न्यूट्रिएंट है, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, दाल, नहीं ये सब जो भी है ये न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, फल रूट्स वगैरह ये सारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। यानी सिंपल से वर्ड में हम याद रखना है कि एज ए कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसको उस कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, जो दूसरा है हमारा वो है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जैसे कि हम फूड खाते हैं तो हमें कई तरह के विटामिन प्रोटीन्स हमारी बॉडी को मिलता है, ठीक है, ऐसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, है ना। जो हम वर्क करते हैं कुछ भी, तो उसकी जो एनर्जी आती है, जो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हमें राइस से भी मिलता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक आप एक ऐसा मिनरल है जिस जो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। तीसरा है टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब इसमें देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्टार्च को टेस्ट करेंगे। स्टार्च क्या होता है, इसको हम जैसे कोई शुगर वगैरह होता है, चीनी वगैरह, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसको टेस्ट करना है किसी मतलब खाने के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्च को जब हम टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कोई खाना लिया, हमें उसी में टेस्ट करना है। उस खाने को किसी कंटेनर में रखा, ये कोई कंटेनर है छोटा सा, इसके अंदर मैंने वो खाना रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रॉपर से, ठीक है, ड्रॉपर से इसमें कुछ बूंदे डालेंगे, ठीक है, 6 से 7 ड्रॉप्स डालेंगे, किसके, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अभी हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, स्टार्च को टेस्ट कर रहे हैं, स्टार्च को टेस्ट करने का ये प्रोसेस। हमने क्या किया, कंटेनर में छोटे से गजल में क्या करा, एक वो खाना रख दिया जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाले, ये ड्रॉप किस चीज के हैं आपके, तो वो है आपके डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन होता है हमारा, इसको हमने इस खाने में डाल दिया। अब क्या होगा, इस खाने का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो कैसे चेंज होगा, ये ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो खाने का कलर है वो किसमें चेंज जाएगा, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ही ये इस जो आपका फूड है ये जैसे ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या पता लग जाता है हमें, कि उस फूड के अंदर ये जो फूड रखा हुआ है इसके अंदर क्या अवेलेबल है, आपका स्टार्च अवेलेबल, ठीक है, हमें ऐसे ही पता लगेगा। हमने खाने के अंदर थोड़ा खाना लिया, उसके अंदर हमने डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला,
फिर क्या होगा, उसके अंदर कलर चेंज हो गया, ब्लैक बन गया वो, ठीक है, ब्लू से ब्लैक बन गया। जैसे ये हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि इस खाने के अंदर स्टार्च है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस था स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। चलो प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। यहाँ देखो, अब हम किसका कर रहे हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब देखो किसी फूड के अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन अवेलेबल होता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से कंटेनर लेंगे, उसमें फिर से फूड लेंगे, फिर उसके अंदर फिर ड्रॉप डालेंगे, और ये ड्रॉप कौन सा होगा आपका, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट या फिर सीओ सीयू एसओ फोर, ये ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है सीओ एसओ फोर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे, कितने ड्रॉप, 3 to 4 ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप हमने डाला इसके अंदर। तो क्या होगा, इसके अंदर भी जैसे ही फूड के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, तो इस फूड का जो कलर है उसमें क्या हुआ था, ब्लैक में चेंज हो गया था, इसमें क्या किस में चेंज हो जाएगा, वो वायलेट में, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस वाले में क्या था, स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये वायलेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये किसका टेस्ट था, प्रोटीन का टेस्ट, किसी फूड के अंदर प्रोटीन है तो उसका कलर, उसका जो कलर है वो वायलेट बन जाए, क्या डालने से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं टेस्ट फॉर फैट। अब फैट देखते हैं, देखो जनरली फैट होता क्या है, जो भी हम ऑयली मटेरियल्स खाते हैं, ठीक है, तो वो ऑयली मटेरियल्स क्या कंटेन करते हैं, फैट, फैट कंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी हम ऑयली, फॉर एग्जाम्पल कोई हम अगर सब्जी वगैरह भी बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल डालते हैं, ठीक है, तो वो ऑयल एक्चुअली में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। अब इसको टेस्ट करना है, हमने क्या किया, कोई एक एक पेपर लिया, ठीक है, इस पेपर पे वो जो हमारा फूड है उस फूड को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये क्या है आपका, फूड है, और ये क्या है आपका, पेपर, ठीक है, इस पेपर पे हमने फूड रख दिया, तो क्या होगा, इस फूड का जो ऑयली पार्ट होगा, ठीक है, इस पार्ट का जो ऑयली, इस फूड का जो ऑयली पार्ट होगा वो इस पेपर पे लग जाए, यहां फैल जाएगा, ठीक है, ऑयली वाला पार्ट जो होगा वो पेपर में फैल जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंस है, क्योंकि ऑयल ही हमारा क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। चल आगे चलते हैं, विटामिन ए सी डी, ये कुछ विटामिन के नाम हैं जो हमारे फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं ये विटामिन अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम ए की बात करें तो ए क्या करता है, हमारी आंखों को, आंखों की रोशनी को तेज करता है, ठीक है, तो ए जो है हमारे आंखों के लिए यूजफुल होता है। दूसरा क्या है, सी, विटामिन सी से हमें जो बीमारियां होती हैं उनसे बचने के लिए, डिसीज कंट्रोल के लिए यूज होता है सी, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए, ठीक है, जो हमारी बोन्स होती है, टीथ वगैरह होते हैं, इनको स्ट्रांग करने के लिए विटामिन डी यूजफुल होता है, ठीक है। विटामिन डी का सोर्स क्या है, सन एनर्जी, ठीक है, जो सूरज से जो धूप निकलती है उससे क्या मिलता है हमें, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो जनरेशन के लिए यूज होता होता है, जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती है उसी के लिए हमारा विटामिन ई यूज होता है। उसके बाद है विटामिन के, विटामिन के किसके होता है, जैसे कि मान लो कि कहीं हाथ पे चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है, और वो ब्लड कुछ देर बाद आप देखोगे तो वो जम जाएगा, है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। तो वो ब्लड क्लोटिंग जो है किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो आपका ब्लड क्लोटिंग जो है वो नहीं होगा, ठीक है, तो विटामिन के की प्रेजेंस में हमारा ब्लड क्लोटिंग होता है।
बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपकी बॉडी के जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उस इन्फेक्शंस को कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इन्फेक्शन ना लगने के लिए बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के लिए यूज होता है, ठीक है। सेवन देखते हैं, सेवन है डायट्री फाइबर्स। देखो डायट्री फाइबर्स क्या होता है, डायट्री फाइबर्स वो होते हैं जो हम रफेज वगैरह जो खाते हैं, ठीक है। रफेज का मतलब जैसे कि जो भी रफेज मटेरियल खाते हैं हम, जैसे कि रफेज मटेरियल में क्या आता है आपके पल्सेस वगैरह आते हैं, ठीक है, पटैटो, ठीक है, और जो प्लांट प्रोडक्ट है, जो प्लांट प्रोडक्ट ये सारे किसके अंदर आते हैं, रफेज के अंदर। रफेज क्या होता है आपका, डाइट्री फाइबर्स। तो डाइट्री फाइबर्स को हम रफेज कहते हैं, ठीक है। और रफेज को ही हम पल्सेज यानी दाल वगैरह, आलू, है ना, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट मतलब पेशाब वगैरह हो सकता है ना, तो ये सब किसके आते हैं, रफेज के अंदर। और रफेज क्या होता है आपका, डाइट्री फाइबर्स, ठीक है। तीसरा आठवां देखते हैं लास्ट, बैलेंस डाइट। देखो बैलेंस डाइट क्या होता है, जैसे कि हम खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना हम ऐसे खा रहे हैं जो गुड अमाउंट में यानी अच्छे अमाउंट में जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उस अमाउंट में हम क्या ले रहे हैं, गुड अमाउंट में हम क्या ले रहे हैं, रफेज, रफेज ले रहे हैं प्लस क्या ले रहे हैं, वाटर। अगर हम ये दो चीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस डाइट कर, ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, हम गुड अमाउंट में रफेज और वाटर ले रहे हैं, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट में रफेज और वाटर ले। रफेज का मतलब दाल हो सकती है, आलू, प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं, हरी सब्जियां वगैरह हो सकती है वो, और उसके साथ क्या ले रहे हैं, पानी पीने के लिए, ठीक है। तो अगर हम ये चीज ले रहे हैं गुड अमाउंट में तो इसका मतलब क्या है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे लेसन नंबर 2 के, कंपोनेंट्स एंड फूड ऑफ क्लास 9, ठीक है। इसके थ्रू ये जो हमारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।